हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे एंड्रू स्पीच फॉर वो भी ऑटो ऑटो यानी यू विल नॉट नीड टू पिक द पॉइंट, जहाँ आपको तीन पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं ए बी एंड सी। बट उसमें दिक्कत ये आती है कि कहाँ से ले। सपोज आई शो यू कि क्या प्रॉब्लम आते हैं व्हेन वी ड्रॉ द एंड्रू स्पीच फॉर जो सिलेक्टेड। एंड सपोज मैंने ये पॉइंट लिया है, पर इससे भी अच्छा कोई स्पीच फॉर हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ऑटो पिच फॉर्म में इतनी अच्छी रहेगी और बहुत ही आसान एंड कोजी रहेगा, जिसमें आपको कोई स्किल डालने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फॉलो माय स्टेप्स। चैनल को सब्सक्राइब, बाकी आपको पता ही है। जस्ट क्लिक ऑन द टेक्निकल्स, टेक्निकल्स के बाद ऑटो में जाना है। ऑटो में ऑटो पिच फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं ऑटो में, पर आज हम देखते हैं ऑटो पिच फॉर्म। मैंने इसे ऐड कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो पिच फॉक है वो भी बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट। तो ये डाउन ट्रेंड वाला था, लेकिन डाउन ट्रेंड वाला पिच फॉक टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद यानी ये मंथ में उसने ब्रेकआउट दिया था इन द मंथ ऑफ अगस्त। आफ्टर दैट इट टुक द रिएक्शन, नाउ इट इज़ रेडी टू क्रॉस दिस हाई 41855.40। अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, बट देखते हैं क्या होता है। तो नवंबर में देखेंगे कि वो क्रॉस कर पा रहा है या नहीं। चलिए मारुति में भी पिच फॉक देखते हैं। देखिए मारुति में भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, रिएक्शन यानी रिटेस्ट किया है। रिएक्शन और रिटेस्ट अलग होता है, देखेंगे बाद में। और यहाँ पे ये हाई जो था 9451 वो भी उसने ब्रेक कर दिया है। तो ऑटो पिच फॉक में आपको बहुत ही आसानी रहेगी दोस्तों। यहाँ पे कुछ ज़्यादातर कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बार आपका ग्रुप भी, जैसे सपोज वी हैव क्रिएटेड एनएससी एफएनडो ग्रुप, तो जस्ट आई क्लिक ऑन द आरती इंडस्ट्री एंड वन बाई वन आई कैन चेक द ब्रेकआउट। ओके, जहाँ पर मुझे लगेगा कि ब्रेकआउट है वहीं पर मैं स्टॉप हो जाऊँगा और देखूँगा। अभी आधा नहीं इंटरव्यूज की तो क्या बातें करें। तो देखिए बहुत ही आसान है ये पिच फॉक में घूमने वाले स्टॉक से। अच्छा यही है कि जिस स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक रिएक्शन यानी क्लोज डाउन आना चाहिए। ओके, सो बहुत ही आसान है। देखिए अपोलो टायर में यहाँ पे बाहर क्लोज दिया, रिएक्शन दिया। रिएक्शन में भले ही पिच फॉक के इनसाइड क्लोज दे दे, यू डोंट नीड टू वरी, एंड आफ्टर दैट वी गॉट द ब्रेकआउट। सो ये बहुत ही आसान तरीका है ब्रेकआउट फाइंड करने का, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए ये था एस्ट्रल, एस्ट्रल पाइप में उसने कहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद इट टुक द रिएक्शन और यहाँ से उसका ब्रेकआउट आया था। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। चौकी स्टॉक भी मिल जाते हैं, डाउन ट्रेंड वाले भी मिल जाते हैं। जिसने पिच फॉक को नीचे की साइड ब्रेक किया है वो डाउन ट्रेंड में है, जो बीच में ट्रेड हो रहा है वो साइडवेज है, और जिसने ऊपर ब्रेकआउट दिया है लाइक मारुति और बैंक निफ्टी, तो वो अप ट्रेंड में कंसिडर हो सकते हैं। चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में तो बहुत निचले लेवल पर ब्रेकआउट आया था। वीकली में देखते हैं, वीकली में अभी ही ब्रेकआउट आया है लास्ट टू लास्ट वीक। नाउ टाइम टू एज पर द डेली, अभी भी फिलहाल वो अप ट्रेंड वाले पिच फॉक में है, लेकिन ये इसकी लिमिट है। ओके, चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो आप देख ही सकते हो कि कब ब्रेकआउट आया था इसमें, अकॉर्डिंग टू द डेली चार्ट। वीकली चार्ट के हिसाब से इट नीड्स टू क्रॉस दिस हाई 41530.65। ओके, और अकॉर्डिंग टू द मंथली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज अबाउट द ऑटो पिच फॉक। और दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों को भी पता चले कि इतनी सारी फैसिलिटी अभी यहाँ पे मिल रही है। ओके, सो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।